भाई भाई तीन साल बाद अब अपनी जगह पे आ रहे हैं, अभी यहाँ कहाँ पर रुकेंगे? अभी तो मैं छेता जो यहाँ पर अभी आया है, और यहाँ आने के बाद में मैं अभी थोड़ा ये पतावुंग जो जगह है वहाँ पर अभी गेस्ट हाउस में बैठता हूँ, और अभी फर्स्ट टाइम ये ऑफिस में आज आके थोड़ा पूजा करके अभी यहाँ पर थोड़ा मेरा परिवार के साथ अभी बात कर रहा हूँ, आदान प्रदान कर रहा हूँ। बहुत खुश लगा क्योंकि तीन वर्ष बाद में जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा ऑफिस में जो मेरा जो आगे का माहौल था उससे भी अच्छा माहौल अभी बनने जा रहा है, आने वाला दिन अच्छा हो जाएगा, तब और खुश होगा। जो अभी भारतीय जनता पार्टी को आप छोड़कर आ रहे हैं, आपका इस बार चुनाव में चुनौती कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को मैंने तीन बार एमपी दिया है, और कहीं डुअर्स का एरिया में एमएलए और पंचायत उप पंचायत समिति भारतीय जनता का साथ पार्टी का साथ मिलकर मैंने लड़ा। सब जगह में हम लोग जॉइंटली हमारा सब जगह में पंचायत में उप पंचायत में और एमएलए में मैंने ताकि वहाँ पर रखा हुआ। आने वाले दिन में आपका कार्यक्रम क्या रहेगा? अभी देखिए सबसे पहले क्या है ना, जो भारतीय जनता पार्टी का और जो घटक दल जो एनडीए का पार्टनर मैंने 21 तारीख को मैंने छोड़ दिया है, मैंने कलकत्ता से घोषणा किया है, क्योंकि तीन टाइम मैंने उसको एनपी जिता के भेजा है, और उसका ऊपर से जो भी हम लोग का साथ एश्योरेंस हुआ था, जो आदान प्रदान हुआ था, और जो मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में जो उसने किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया। मैंने कितना बार, तीन वर्ष तो वहाँ पर था, उसका आगे से ही मैंने कितना अपील किया था कि हमारा 11 जात गोष्ठी और परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए आप काम करना चाहिए, लेकिन अभी तक काम ही नहीं किया। रिसेंटली मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ यूनियन जो ऑल पार्टी का साथ बैठकर बात कर रहा था, ऐसा तो मैं कहीं उबार किया 2019 का आगे कहीं उबार, और मेरा ऊपर में इतना बार उसने बोला कि विमल जी आप पहाड़ में जो काम कर रहा है, पहाड़ में जो आपका जनमत है और हम लोग का साथ मिलकर काम कर रहा है, तो इसलिए हम लोग कुछ करूँगा, जो 11 जात गोष्ठी है मेरा हाथ में, जब जाएगा तब लेकर जाना, ये बात भी बोला था। लेकिन मैं आज आपका चैनल से बोलना चाहता हूँ, जितना में गए हुए ऑल पार्टी का जो हमारा लीडर्स लोग है, बेचारा उसको पता नहीं है अमित शाह का जो राजनीतिक विषय क्या है अभी, और प्राइम मिनिस्टर का क्या है, और राज्य का प्रभारी का क्या है, हमारा ऊपर में सहानुभूति है या नहीं है, 11 जात गोष्ठी का ऊपर में क्या सोच रहा है, तो हम लोग देंगे करेंगे बोलने से तो 12 वर्ष तक देंगे करेंगे बोलते, कब तक पूरा हो जाएगा? और प्राइम मिनिस्टर का घोषणा किए जो 11 जात गोष्ठी, और मैं मोदी जी को भी आपका चैनल का तरफ से बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी आपने घोषणा किए इतना चीज कब पूरा होगा? मैंने तो तीन टर्म आपको एनपी दिया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, और बंगाल में कमल फुलाने वाला आदमी ही मैं हूँ, एक भी नहीं था।
अब कमल फर्स्ट टाइम मैंने चट्टान में कमल फुलाया तो अभी वो कमल ने 18 कमल फुला दिया है। लेकिन अभी हमारा गोरखा को इतना बर्बाद कर दिया है और तस नस कर दिया है, हमारा ऊपर में जो मैनिफेस्टो में डाला और जो कश्मीर को आप डिवाइड एंड रूल करके आज जो यूटी बनाया लद्दाख को, वो बना सकता है, एनआरसी 3 तलाक को आप पास कर सकता है, लेकिन हमारा गोरखा का जो डिमांड है, गोरखा का जो हम लोग का भी 11 जात गोष्ठी का, ये कब पूरा होगा? और हमने इतना देश के लिए इतना आवती दिया है तो देश ने अभी तक क्या किया है? और मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि अमित जी को कि आपने मेरे को आगे बोला था कि विमल जी 11 जात गोष्ठी मेरा पास में आप लेकर जाए, दीदी आप भी ऑल पार्टी वहां पर है, बेचारा उसको क्या मालूम है? तो अभी फोटो सेशन हो रहा है, फोटो सेशन, इतना फोटो सेशन तो मेरा पास तो 25 बार तो मैं अमित शाह के साथ मुलाकात हुआ, भूपेंद्र यादव के साथ कितना बार मुलाकात हुआ, और अभी और राजनाथ सिंह के साथ कितना बार मुलाकात हुआ, अभी विजय वर्गी के साथ कितना बार मुलाकात हुआ, और जेबी नड्डा के साथ, बीएल संतोष के साथ कितना बार हम लोग मिला, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैंने तो दिया था लेकिन अभी ऑल पार्टी गया है ना, क्या दिया, क्या चीज दिया? मैंने तो एनपी दिया, एमएलए दिया, अभी वो लोग इस बार मैं छोड़ के 2021 में अभी हम लोग टीएमसी के साथ अलायंस होकर हम लोग काम करने के लिए एक हम लोग रणनीति बनाए हैं, इसीलिए हम लोग चाहता हूँ 2021 में अच्छा सा अच्छा नॉर्थ बंगाल में रिजल्ट हम लोग दिखाना चाहता हूँ। और जो है बीजेपी का हम लोग का ऊपर में जो इतना भयानक हम लोग का जो गोरखा का ऊपर में अन्याय अत्याचार किया है उसको जवाब देने के लिए ये एक मौका है, मैं दे दूंगा। क्या इस बार आप अनित और विनय के साथ मन चेंज करेंगे? देखिए ये मेरा कल्पना का भार का बात है, उसका साथ शेर नहीं, नजीक में भी मिल नहीं सकता हूँ। जाति का बेचने वाला आदमी, स्वाभिमान बेचने वाला आदमी का साथ बैठकर मैं बात कर सकता हूँ? हाँ ना, ये हो ही नहीं सकता। थैंक यू।